सपोर्ट जोन के ऊपर, तो पहला सपोर्ट जोन बनेगा हमारा 740 से 738 के आसपास का। अगर ये वाला लेवल जो है वो काटता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से जो है वो एक गिरावट हो सकती है 732.50। 725 का जो लेवल है वो फाइनल सपोर्ट है दोस्तों, ये लेवल के ऊपर खास ध्यान देना। अगर 722 725 का जो कि फाइनल सपोर्ट है, अगर हम कॉपर के अंदर फाइनल सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, चाहे इंट्राडे में चाहे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और अगर लगातार 2-3 दिन क्लोजिंग भी ये लेवल के नीचे होता है, तो यहाँ से बड़ी भारी गिरावट हो सकती है। और आप अगले आने वाले समय के अंदर, मतलब अगले वीक में हो सकता है, उसके बाद में हो सकता है, 715 से 695 तक के जो लेवल है वो हम देख सकते हैं। तो जब तक, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जब तक ये 745 से 750 के लेवल के नीचे है, तब तक उसके अंदर 690 700 के लेवल तक जाने की संभावना पूरी पूरी बनेगी, ठीक है, पूरी पूरी बन सकती है। तो आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहे जब तक ये 750 के लेवल के नीचे कामकाज कर रहा है तब तक। तो दोस्तों ये जो छोटा सा आपने वीडियो क्लिप सुना वो हमारे लास्ट वीक के वीडियो का था। पूरा वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वो लिंक ओपन करिए ताकि आपको पता चलेगा कि लास्ट वीक के अंदर हमने क्या चर्चा की थी। और अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही सपोर्ट टारगेट सीखने हो, लर्न करने हो, कुछ जो है वो नया करना हो दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग लाइफ को सुधारना हो, तो हमारा जो है वो ऑनलाइन कैंडलस्टिक कोर्स है, जिसके अंदर आपको पूरा लर्निंग मिलेगा, सीखने को मिलेगा, सपोर्ट टारगेट कहाँ पर लगाए, इंट्राडे की ट्रिक जो है वो भी उसके अंदर अवेलेबल है, सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। तो वो कोर्स पूरे 3 महीने का है, वो अगर आप लर्न करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो लिंक ओपन करके आप ये सीख सकते हो।